आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, टीएस हरिहर हैं और राकेश बंसल हैं। एसएक्सटी अगर अभी हम देखें तो करीब 12 अंकों पर ट्रेड कर रहा है। हम बात कर रहे हैं उन स्पेसिफिक स्टॉक्स की जो आज के सेशन में अच्छा मोमेंटम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। उसी में एक स्टॉक आप देखिए, कमिंस इंडिया का। ये स्टॉक हो सकता है आज के सेशन में मजबूती दिखा, और इसके पीछे दो वजह है। पहला तो ये कि कमिंस इंक ने इंडिया ऑपरेशन को लेकर पॉजिटिव कमेंट्री दी है। उन्होंने कहा है कि रूपी अप्रिसिएशन की वजह से जो ग्रोथ गाइडेंस है वो नेगेटिव 5% से बढ़ाकर उन्होंने फ्लैट की है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। दूसरी बड़ी बात ये है कमिंस पर कि आज मॉर्गन स्टैनले ने इसको डबल अपग्रेड किया है। जो पहले रेटिंग दी थी वो 647 के टारगेट के साथ अंडरवेट की रेटिंग दी थी, और अब 1200 के टारगेट के साथ ओवरवेट रेटिंग यहां पर मॉर्गन स्टैनले ने दी, और कहा है कि जो डोमेस्टिक कैपेक्स में रिवाइवल हो रहा है उसका इसको फायदा पहुंचेगा। कमिंस इंडिया पर हरी, आपके कमेंट्स क्या है? नहीं, इट्स अ गुड प्ले ऑन द कैपिटल गुड्स स्पेस पर। मेरा मानना है कि यदि आपको कैपिटल गुड्स पे खरीदना है तो और काफ़ी बेहतर चॉइसेस हैं। आप स्टैंडर्ड ऑन कमेंट्स देखोगे तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपको यहाँ पे अपसेट्स मिल सकते हैं। जैसे यू नो वो रिपोर्ट भी कह रहा है कि कैपिटल साइकिल के रिवाइवल से फायदा डेफिनेटली होगा, पर आई थिंक जो रियल बेनिफिशरीज होंगे मुझे लगता है देर विल बी कंपनीज लाइक BHEL, L&T, क्रॉम्पटन ग्रीव्स। तो मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस ये वाले स्टॉक्स होंगे। कमेंट्स वोंट बी अ प्रेफरेंस, बट डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि यहाँ पे अपसेट्स हो सकते हैं। ठीक है, इस बीच समित चौहान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग से। समित, शुक्रिया समय देने के लिए। मैं को 50-60 पॉइंट की निफ्टी की रेंज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं एक बड़ा सौदा लेना चाहता हूं, मैं एक सेल का सौदा लूं या फिर मैं एक बाय का सौदा लूं। मैं कम से कम 200 पॉइंट इंडेक्स में जाना चाहता हूं, लेना चाहता हूं। ये कैसे मिलेगा? शॉर्ट करने से मिलेगा या फिर लॉन्ग करने से मिलेगा? क्योंकि ऑप्शन से तो समझ में आ रहा है 200 पॉइंट मिल सकते हैं, ये मिलेगा कहाँ पर ये पता नहीं चल रहा। देखिए डिम्पी, ऐसे मार्केट में शॉर्ट साइड पर रहना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। हमने देखा है लास्ट 3-4 महीनों में हार्डली कोई करेक्शन आया हुआ है। अगर करेक्शन आता भी है तो वो 100-150 पॉइंट से ज़्यादा करेक्शन नहीं आता, और वहाँ से हम स्ट्रॉन्ग सर्ज देखते हैं ऊपर की तरफ। सो वो क्लियर इंडिकेशन होता है कि यू नो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और ऐसे टाइम पे जो करेक्शंस होंगे वो करेक्शन में स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट दिखेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको डायरेक्शनल व्यू लेना है और 150-200 पॉइंट का आप डायरेक्शनल व्यू यू नो इंडेक्स पे लेना चाहते हो तो वो पॉजिटिव साइड पे ही होना चाहिए, बाय साइड पे रहना चाहिए। कल भी हमने देखा था क्लियर यू नो मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर था हायर लेवल से, बट कहीं ना कहीं पे 9270-9275 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उभर के आया, और वहाँ से हमने स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी है। तो मेरे ख्याल से बाय साइड पे रहना चाहिए एज फार एज यू नो योर डायरेक्शन कॉल इज कंसर्न, और बहुत जल्दी हमें लग रहा है कि निफ्टी 9450-9500 के लेवल छू सकता है। तो अगर यहाँ पे अगर आपको पोजिशनल कॉल लेना है तो यू नो 9200 एक अच्छा सपोर्ट बन गया, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के अभी भी 9450-9500 के लेवल देख सकते हो। जी, एक बार हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल इस पूरे ही स्पेस में एक अच्छी मजबूती दिख रही थी। PNB हाउसिंग एक एक्सेप्शनल था जो कल 2-2.5% नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन बाकी सभी स्टॉक्स में एक अच्छा मूव था। फिर चाहे वो IB हाउसिंग हो, इंडिया बुल्स हाउसिंग हो, LIC हाउसिंग हो, माफ कीजिए, या फिर दीवान हाउसिंग ही क्यों ना हो। दीवान हाउसिंग इनफैक्ट आज नंबर्स भी आने हैं, लेकिन राकेश, जिस तरह का मूव कल के सेशन में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में देखा, उसे फॉलो करते हुए कोई ट्रेड रिकमेंड करेंगे आज के लिए? देखिए दीपाली, एंटायर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं सब बहुत अच्छे लग रही हैं, चाहे वो दीवान हाउसिंग हो, HDFC हो, LIC हो, बट सब में ब्रेकआउट के बाद एक काफ़ी बड़ा रनअप देखने को मिल चुका है। ट्रेडिंग के नज़रिए से कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है कि 1.5-2% नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा के टेक्निकली इनको बाय किया जाए। अगर किसी के पास है और लंबी अवधि का नज़रिया है तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, इस बीच आप कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे भी आपका व्यू चाहिए हरी, क्योंकि अभी एक्चुअली खबर ये है और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जो कच्चा तेल है क्रूड वो 5 महीने पे वापस लो पे आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय जब GRMs को लेकर ये सारी कंपनीज ठीक रिजल्ट से पहले चल रही थी रिलायंस के, लेकिन अब 5 महीने के लो पे वापस क्रूड आया है। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हमको कैसे ट्रेड लेना है? हमको लॉन्ग रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि हमको क्वार्टर बेसिस पर पोजीशन लेनी है। मैं डे टू डे देख नहीं सकता, डाटा नहीं देख सकता, नोटिस नहीं कर सकता, लेकिन आप क्वार्टर बेसिस पर मैं इन शेयर्स को ले सकता हूं या बेच सकता हूं, क्या करूं सर?
नहीं, आई थिंक यू नो जब से ये गवर्नमेंट ने फ्री प्राइसिंग इंट्रोड्यूस किया है और यू नो अभी जैसे आप जानते हैं एक डायनेमिक प्राइसिंग इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे वी कैन ऑलमोस्ट डेली चेंजेस ऑफ पेट्रोल प्राइस हो सकता है, तो इससे जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज का रिस्क है वो लगभग ना के बराबर हो चुका है। और मैं मानता हूँ कि ये चलता रहेगा जब तक यू नो ऑयल आपका 70-75 डॉलर तक नहीं जाता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रेशर आएगा। तो आई थिंक जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है, फिर वो IOC हो, यू नो HP हो या BP हो, इन सब में डाउनस्ट्रीम प्रॉफिटेबिलिटी चलता रहेगा। जहां तक रिफाइनिंग का सवाल है, आई थिंक HP अपना रिफाइनिंग बढ़ा रहा है, BP अपना रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, तो इसका आउटकम हमको अगले 2-3 साल में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये तीनों जो स्टॉक्स है, ऑयल मार्केटिंग, ये तीनों लगभग लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है और यहां से आई थिंक अप ट्रेंड यहां से और जारी रहेगा। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे स्पेस में ONGC के मूव को भी डिंप इग्नोर नहीं कर सकते। दो दिन में काफी स्ट्रांग वाइब्रेंसी इस स्टॉक ने दिखाई, ऑलमोस्ट 6-7% चला है और मैनेजमेंट तो गैस प्रोडक्शन और क्रूड प्रोडक्शन को लेकर काफी बुलिश भी है, अच्छी ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन इयर्स टू कम। लेकिन एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। समीर, क्या राय है आपकी ONGC पर? देखिए, ONGC के आसपास, ONGC को 178-180 के आसपास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहाँ से दो दिन में हमने एक स्ट्रॉन्ग सर्ज देखा और जैसे वॉल्यूम एक्टिविटी बनी है उससे वो इंडिकेट करता है कि जो इसका एक 195 का एक नियर टर्म हर्डल है वो बहुत जल्दी ब्रेक हो सकता है और ये स्टॉक में ये जो ऊपर की तरफ मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। 203-205 के हम इमीडिएट लेवल ONGC में देख रहे हैं, तो आज अगर आपको माइनर डिप मिलती है अराउंड 190-189.50 वो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और यू नो एक दो दिन के लिए 184-185 का काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखा जाएगा। ठीक है, कल के कुछ एक अच्छे प्ले में ना एक C8 हमने देखा जो कि लास्ट के सेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्गली मूव करके गया। एक तो राकेश, आप इसका चार्ट देखिए, मेरे पास कल की पोजीशन कैरी की हुई है और मेरे को स्टॉप लॉस क्या रखना है आज के सेशन के लिए। एक दूसरा एक शेयर आपको देखना है श्री इन्फ्रा, ये काफ़ी दिनों के बाद ना अपने एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर आके रुक रहा है। ये 94-95 है और ये 100 तक जाएगा, ये ऐसा रेजिस्टेंस दिखता है हमको। इस बार पार कर जाएगा या फिर वापस टूट के आ जाएगा 85 पे ही है? देखिए डिम्पी, एंटायर टायर स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है और कल के सत्र में अपोलो टायर C8 में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला था। C8 किसी ने लिया है तो 1521 का एक स्टॉप लॉस बैठता है क्योंकि कल एक बड़ा मूव 70 रुपीज़ का अप मूव इसके अंदर देखने को मिला था। स्टॉक नए हाइस पे ट्रेड कर रहा है। इस स्पेस से अगर कोई स्टॉक कैश सेगमेंट से बाय करना हो तो TVS श्रीचक्रा मेरा प्रिफर्ड पिक होगा, जहां पर मुझे लगता है कि बाइंग की जा सकती है। SREI इंफ्रा की बात करें तो यहां पर एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला और जैसे टिम्पी आपने बोला 100 रुपीज़ के लेवल्स इसमें मुमकिन लगते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन पूरे टायर स्पेस में कल एक अच्छी मजबूती थी और 2-3 वजह है टिम्पी। एक तो रबर प्राइसेस जो गिरे हैं उससे एक एज मिला है और दूसरी बात यह कि इस फाइनेंशियल की शुरुआत में जिस तरह के सेल्स नंबर्स आए ना इसलिए भी खुश हो रहे होंगे टायर स्टॉक्स कि ठीक है गाड़ियां तो ज्यादा बिकी रही है तो डिमांड तो ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि अच्छा मूव था। CET नहीं, JK टायर, MRF इन सब में एक अच्छी मजबूती कल के सेशन में रिफ्लेक्ट। वैसे देखिए एक ट्रिगर तो हमेशा इनके पास बचा ही हुआ है, वो है सरकार से गुहार का, क्या हमारे भी देखिए हमारे को एंटी डंपिंग दे दीजिए। अभी तक तो नहीं मिली है, 6 महीने के लिए मामला टल गया था, लेकिन एक ऐसा ट्रिगर होगा जो शायद टायर कंपनीज के लिए हमेशा से एक रामबाण है। जैसे ही आपको कोई दिक्कत दिखे या फिर टायर कंपनी को दिक्कत है सरकार के दरवाजे पहुंचिए और बोलिए एंटी डंपिंग से हमको परेशानी है। लेकिन हरी, बहुत संक्षेप में आपका कमेंट क्या है इन टायर स्टॉक्स पर? सी, मेरा कंसर्न यही है कि स्टॉक्स बहुत रैली कर चुके हैं। आप अपोलो लीजिए, 170 से 250 हो चुका है। आप C8 लीजिए, JK टायर्स लीजिए, देखिए सारे स्टॉक्स बहुत रैली कर चुके हैं। तो जो लोअर रबर प्राइसेस है मेरे ख्याल से फैक्टर हो चुका है और मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि थोड़ा कॉशियस लीजिए लेवल्स पर। ठीक है, थोड़ा कॉशियस भी रहिए और ये बात सच भी है क्योंकि रबर के प्राइस का बेस बनने के बाद वापस थोड़ा ऊपर आना भी शुरू हो गया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पूजा इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास कुछ ट्रेडिंग पिक्स हैं, आपको स्टॉप लॉस और टारगेट भी मिलेगा, नोट करते चलिएगा। पूजा बताएं। जी गुड मॉर्निंग, आज सारे ही कॉल्स में खरीदारी की राय है सिवाय एक को, एक में एक फार्मा स्टॉक्स में आज बिकवाली की राय निकल कर आ रही है। चॉइस ब्रोकिंग के रिकमेंडेशन से पहले शुरुआत कर लेते हैं। स्पाइसजेट इनका बाय कॉल है जहां पर कल भी अच्छी तेजी थी और आज भी जो रैली है वो बरकरार रहने की उम्मीद है और यहां पर आपको 118 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरे कॉल में इन्होंने स्टरलाइट टेक में खरीदारी करने की राय दी है 162 के लेवल के लिए और स्टॉप लॉस होगा 149 का। और श्री इंफ्रा में इनका अगला बाय कॉल है, यहां पर खरीदारी करके चलने की राय होगी
स्टॉक में भी करीब 3-4% की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। 99 के टारगेट के लिए बाय करिए और स्टॉप लॉस होगा 91.5 का। अब बोनांजा पोर्टफोलियो के कुछ रिकमेंडेशन ले लेते हैं। अरविंदो फार्मा में इन्होंने बिकवाली करने की राय दी है, ये इकलौता सेल कॉल है। यहाँ पर इनका मानना है कि कमजोरी देखने को मिल सकती है, 575 के लेवल से गिरावट देखने का अनुमान है और 610 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और अगले कॉल में इन्होंने पीएफसी में खरीदारी करने की राय दी है 170 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस होगा 160 का। अब इन्वेस्टर पॉइंट से कुछ रिकमेंडेशन लेते हैं। इन्होंने गोदरेज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय दी है और आज इंट्राडे के लिए टारगेट ये सुझा रहे हैं 562 का, स्टॉप लॉस होगा 546 का। फोर्टिस हेल्थ केयर में इनका खरीदारी करने की राय दी है, इंट्राडे में खरीद कर चलिए, 2-3% का रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 236 के टारगेट के लिए बाय करिए, स्टॉप लॉस होगा 224 का। एस्कॉर्ट्स इनका अगला बाय कॉल है, यहाँ पर इंट्राडे में उम्मीद की जा रही है कि 575 तक के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और आखिर में इन्होंने टाटा ग्लोबल में खरीदारी करने की राय दी है, इंट्राडे में अच्छी तेजी स्टॉक में भी आज देखने की उम्मीद है, 162 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस होगा 154 का। जी शुक्रिया पूजा आपका। तो ये ट्रेड्स हैं इंट्राडे के लिहाज से जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। हम यहाँ से सीधे रुख करेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट के, यानी टुडेज ट्रेड। डिम्पी से जान लेते हैं, बताइए डिम्पी। आज का जो ट्रेड है वो विकास इकोटेक है, ये करीब 24 रुपए के टारगेट के लिए आप इस पर नजर रख सकते हैं, 21.30 रुपए का एक स्टॉप लॉस। स्पेशलिटी केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है, जो मेरे पास जानकारी मिली है उसमें यह है कि डिलीवरी वॉल्यूम इसमें करीब करीब 5 दिनों का 50% से ऊपर है, तो इट्स ए गुड साइन। 2 हफ्तों की गिरावट के बाद अब खरीदारी शेयर के अंदर दिख रही है, क्षमता विस्तार है, मजबूत प्रोडक्ट पाइपलाइन का फायदा इनको आगे चल के मिलेगा क्योंकि केमिकल की है, तो बैलेंस शीट नो डाउट अच्छी होगी। डिमांड को लेकर जरा हमको लगता नहीं चिंता है इसमें। राजस्थान और गुजरात इकाई का इन्होंने डेवलपमेंट करने की भी योजना बना रखी है और FY 18-19 में क्षमता विस्तार का फायदा भी इनके बुक्स में आना शुरू हो जाएगा, तो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ ठीक है, काम ठीक है, ROI ROE दोनों ही ठीक है। इसके अलावा जो जिस स्पेस के अंदर है वो आजकल मार्केट के अंदर थोड़ा बजिंग भी है, वो है केमिकल स्पेस। तो विकास इकोटेक पर नजर रखें, 24 रुपये का टारगेट है, इस पर आपको ध्यान रखना होगा।